फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोई खास में। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है, गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा और आज अनंत चतुर्दशी भी है जिसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है। दिगंबर जैन समाज के 10 दिन के पर्युषण का आज आखिरी दिन है, है ना? आज कितना शुभ दिन। तो चलिए आज के दिन गणेश जी का प्रिय भोग बनाते हैं, मोदक, वो भी सबसे आसान तरीके से। मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, पानी और मोयन। मोयन के लिए मैंने यहाँ पे करीब 1 से 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। स्टफिंग बनाने के लिए आपको चाहिए नारियल, किसा हुआ खोया और पिसी हुई शक्कर। और मेवे में मैंने लिया है काजू, पिस्ता और बादाम। अब एक कढ़ाई में नारियल को सूखा सूखा रोस्ट कर लीजिए। हल्का सा करीब 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने खोया भी थोड़ा सा भून लिया है। जिस बाउल में नारियल रोस्ट करके निकाला था उसी में ही खोया, भुना हुआ खोया भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हमें इसे अब ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक खोया ठंडा होता है तब तक एक बाउल में मैदा ले लें, उसमें घी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को गूंथ ले। हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। डो अब हमारा रेडी हो गया है, फिलिंग भी ठंडी हो गई है। इसमें पिसी हुई शक्कर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। हमने दो तरह से मोदक को शेप देने की कोशिश करी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब मैदे की छोटी सी लोई को हाथ से प्रेस करके थोड़ा फैला लें और इसमें फिलिंग भर दें और कुछ इस तरीके से इसे शेप देना है। और अब हम ऊपर से इसको सील कर देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका ये एक मोदक तैयार है। अब दूसरे तरीके में आप लोई को थोड़ा सा बेल लें और कुछ इस तरह से पोटली बना के फिलिंग भर दें और पोटली को बंद कर दें। कहते हैं कि एक बार ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया जी ने शिव जी और पार्वती जी को गणेश जी के साथ अपने घर पे निमंत्रण दिया था। कई व्यंजन अनुसुईया जी ने गणेश जी के सामने रखे, पर गणेश जी की भूख है कि शांति नहीं हो रही थी। तब अनुसुईया जी ने गणेश जी के सामने मीठे में मोदक रखा, जिससे उनकी भूख तुरंत शांत हो गई और उन्हें 21 बार डकार आई। और इसीलिए गणेश जी को 21 मोदक का नैवेद्य चढ़ता है। और ये देखिए हमारा मोदक तैयार है। अब तेल को गरम करके एक एक मोदक डाल दें और डीप फ्राई कर लें। आंच अब आप सिम पे कर दीजिएगा। तो लीजिए गणेश जी का प्रिय भोग मोदक तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।